आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। जमुई के क्षेत्रीय सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने क्षेत्रीय दौरा किया। इस क्षेत्रीय दौरा में उन्होंने कई जगह लोगों से मिले और लोगों के सुख दुख में हिस्सा लिया। इसी दरमियान के गिद्धौर में एक शादी समारोह के कार्यक्रम में भाग लिया और वर वधु को आशीर्वाद दिया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस बार भी MLC का चुनाव अकेले लड़ेंगे। वहीं गिद्धौर से सेवा जाने वाली सड़क के बारे में उन्होंने कहा कि हमने कई बार इस सड़क के बारे में मंत्री से भी मिला और पत्र भी लिखा, लेकिन बिहार सरकार की नाकामी की वजह से यह सड़क दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक नहीं बन सका। चकाई रेल लाइन के बारे में भी उन्होंने कहा कि वह भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, तथा झाझा फुटओवर ब्रिज के बारे में भी उन्होंने कहा कि काम में बहुत धीमा चल रहा है, उसे भी जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। बिहार से सुरेश निखर की रिपोर्ट। लंबित है, रुका जा रहा है, बन जाएगा, बंद आपकी तरफ से भी सिर्फ आश्वासन मिला सर सेवा जाने के लिए। ये वाली मैं मानूंगा, ये शायद संभवतः मुझसे इसके बारे में मैंने पत्र कई बार लिखे, पर पता नहीं जब जब मंत्री जी से मुलाकात हुई तो संभवतः शायद उनको सामने से मैं ये बता नहीं पाया हूँ। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे वापस से इस सड़क को देखकर मुझे याद आया। मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 बार पत्र तो मैंने ज़रूर लिख दिया, पर एक व्यक्तिगत मुलाकात करके जैसे बाकी की सड़कों को सैंक्शन करवाया गया है उसमें ज़रूर मुझे लगता है कि कहीं पे ये कमी रह गई है। पर इसको अब क्योंकि मैं दोबारा फिर से इसमें से ही होके आया हूँ तो इसको अभी जल्द ही इसी साल भर के भीतर इसको करवा लिया। एक और जटिल समस्या है सर गिद्धौर के लिए, हमारा गिद्धौर थाना आज तक ग्रेड 3, पता नहीं आज तक इसको क्यों नहीं पूर्ण क्लेजर थाना का दर्जा दिलाया गया। आपसे पहले भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि रहे लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है इस थाना को फुल क्लेजर। आज भी हमारा इसके बारे में तो क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है सर, इस बार हो जाना चाहिए। ये भाई मेरे कार्यकाल के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जी, बात क्योंकि मैं बात में जरूर कर लूंगा, पर आप जानते ही है कि जो हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनसे आप मेरे संबंधों को जानते ही हैं। मतलब मैं क्लियर कर दूं कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनसे जो मेरे संबंध हैं वो जिस तरीके से हैं उनके समक्ष कोई भी कार्य मेरे द्वारा दिया गया संभवतः उसमें बाधाएं वो ज़्यादा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं बनिस्पत कि उस समस्या का समाधान करें। मैं स्थानीय विधायक महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इस बात को गंभीरता से लें, उनके लिए तो ये कराना आसान है। सर अभी विधान परिषद का चुनाव जो आ रहा है सर, क्या लोजपा अकेली लड़ेगी या फिर? बिल्कुल हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा का सर जो बम्पर जीत हुई है, क्या भाजपा के साथ जाएंगे सर विधान परिषद में? नहीं, ये तो अभी बहुत आगे की बात है, भाजपा के साथ जाना नहीं जाना। फिलहाल जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव अकेले लड़ा, विधान परिषद का चुनाव भी हम लोग अकेले लड़ा। आगे जब